कल औरंगाबाद में दो गुटों के बीच में कुछ मतभेद के वजह से भारी दंगाई हुई है, जिसमें कि पब्लिक और प्राइवेट जान और माल को बहुत नुकसान पहुंचा है। मालेगांव में हर धर्म के लोग बसते हैं और भारी मात्रा में उपस्थित हैं, और ये जो दंगा औरंगाबाद में हुई है वो मालेगांव में न फैले, इसको रोकने के लिए पुलिस ने और प्रशासन ने खास तौर से जम करके तैयारी रखी है। सबसे पहले मैं आवाम से अनुरोध करना चाहूँगा पूरे मालेगांव पुलिस की तरफ से कि किसी भी प्रकार के अफवाह या फिर रूमर पर विश्वास न करें। अगर कोई भी इस प्रकार का अफवाह फैलाता है, फौरन अपने लोकल पुलिस स्टेशन और वरिष्ठ ऑफिसर्स को और पुलिस कंट्रोल रूम को माहिती दें इसके बारे में। तीसरा, गोपनीय रूप से पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं। वो चौक जो आपको लगता होगा कि पुलिस के सर्वेलेंस में नहीं है, वो भी फिलहाल पुलिस के सर्वेलेंस में है। किसी भी प्रकार का मूवमेंट या फिर कोई भी प्रकार का ऐसी हरकत जिसके वजह से गटों के बीच में या फिर दो धर्मों के बीच में कोई टेढ़ निर्माण हो सकता है, उन पर हमने नज़र रखा हुआ है और कड़क से कड़क कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ जो कि कोई भी ऐसा प्रयत्न करते हैं। चौथा, मोबाइल्स और सोशल मीडिया मतलब कि फेसबुक, व्हाट्सएप इतर, खास तौर से उन लोगों का जिनका रायट्स में इन्वॉल्वमेंट रहता है, उन पर पुलिस की निगरानी है और पुलिस की कड़ी नज़र है। कोई भी प्रकार के मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले या फिर भेजने से पहले आप सोच लीजिएगा कि ये एक कानूनन गुनाह है। सिर्फ मैसेज सेंड करना ही गुनाह नहीं है, बल्कि उसे फॉरवर्ड करना भी इक्वली गुनाह है हाईकोर्ट के डिसीशन के मुताबिक। तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो तैयार रहे कि पुलिस की आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें अटक किया जाएगा और उन पर गुनाह दाखिल की जाएगी। पांचवा, किसी भी प्रकार के धर्म या फिर लोगों पर अगर कोई भी धमकी दी जाती है या फिर उल्टी बात की जाती है, इसकी इन्फॉर्मेशन फौरन अपने लोकल पुलिस स्टेशन को दें, इस पर तुरंत और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। छठा, एसआरपीएफ का एक पूरा कंपनी मालेगांव में फिलहाल डिप्लॉयड है। किसी भी प्रकार के अगर आउटब्रेक होती है उस पर स्विफ्टली एक्शन लिया जाएगा और कठोर रूप से एक्शन लिया जाएगा। एंटी रायट जितनी इक्विपमेंट है, वज्र, वरुण, रायट कंट्रोल प्लाटून्स और तमाम टेक्नोलॉजिकल उपक्रम जो कि पुलिस के पास प्रेजेंट है, उन्हें हाई अलर्ट पे रखा गया है तुरंत रिस्पॉन्ड करने के लिए अगर कहीं भी छोटा मोटा भी इंसिडेंट होता है। और लास्टली, मैं पूरे आवाम को ये अश्योरेंस देना चाहता हूँ कि किसी भी धर्म के प्रति या फिर खिलाफ कोई किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा। अगर कोई भी व्यक्ति रायट या फिर दो गटों के बीच में किसी भी प्रकार का टेढ़ निर्माण करने का प्रयत्न करता है, उस पर सख्त और बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये पहले भी हो चुका है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि मालेगांव के नौजवान लोग किसी भी प्रकार के अपने अपने ट्रैक रिकॉर्ड पर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं आने देंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।